नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि किसानों के कर्ज माफ़ी के बारे में हाल ही की जो ये लेटेस्ट न्यूज़ है, हम आपको लाइव भी दिखाने वाले हैं कि जिस प्रकार वादा ये किया गया था कि सभी किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा, बात ये आती है कि वे सभी किसान भाई जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज ले रखा है, उनके बहुत सारे मेरे पास कमेंट यही आ रहे हैं। हर कमेंट में यही कहा जा रहा है कि हमारा कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने कर्ज माफ़ी में कर्नाटक मॉडल को अपनाया तो डिफाल्टर किसानों को इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। इस मॉडल में सरकार व बैंक के साथ कर्ज का एक हिस्सा किसान को वहन करना पड़ेगा। तो जो सीएम गहलोत जी क्या कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए किसान कर्ज माफ़ी के बारे में। उनका कहना है कि फिलहाल चुनाव चल रहे हैं, बैंकों से बातचीत चल रही है और जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज ले रखा है उन किसानों का भी 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। आप सुनिए इस वीडियो के माध्यम से। 2 लाख के कर्ज माफ करने का वादा किया था, चुनाव आगे बीच में उनसे बातचीत चल रही बैंकों से, चुनाव होते ही हम लोग राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज माफ करेंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस रूप में एक के बाद एक किसानों के 5 साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, 1 लाख करेक्शन कुओं पर देने का हमने तय किया, वो काम चालू है, लगातार आदेश अधिक हो चुका है। इस प्रकार से हमने और भी आपको मालूम होगा, गांव में अब पानी निःशुल्क होगा, कोई बिल नहीं आएगा गांव के अंदर, ये भी हमने फैसला कर दिया है।